नमस्कार। आज भारत लगातार मेट्रो परियोजना पर काम कर रहा है। जहां 2014 से पहले हमारे देश में सिर्फ 250 किलोमीटर लंबी मेट्रो नेटवर्क थी, जो अब बढ़कर 900 किलोमीटर लंबी नेटवर्क हो गई है। और यह यहीं पे रुकने वाला नहीं है, बल्कि 2025 तक यह 1000 किलोमीटर और मेट्रो नेटवर्क बढ़ेगी, जिसमें कई सारे नए मेट्रो सिटीज भी शामिल है। और उन्हीं में से एक है भोज मेट्रो, जिसे भोपाल मेट्रो के नाम से जाना जाता है। भोपाल मेट्रो एक अंडर कंस्ट्रक्शन मेट्रो परियोजना है, जिसे 6 अलग अलग कॉरिडोर के रूप में, 6 अलग अलग लाइन के रूप में 105 किलोमीटर लंबा मेट्रो नेटवर्क बनाया जाएगा, जो पूरे भोपाल सिटी को एक दूसरे से कनेक्ट करेगा। वैसे तो पूरे 6 कॉरिडोर बनने में 2028 तक का समय लगेगा, बट फिलहाल मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड एक प्रायोरिटी कॉरिडोर पर काम कर रही है। प्रायोरिटी कॉरिडोर 7 किलोमीटर लंबा कॉरिडोर होगा, जो एम्स से सुभाष नगर को 8 स्टेशन के रूप में कनेक्ट करेगा। स्टेशन कुछ इस प्रकार होंगे, जैसे सुभाष नगर, केंद्रीय विद्यालय, डीवी सिटी मॉल, संगम सिनेमा, हबीबगंज स्टेशन, हबीबगंज नाका, अलकापुरी बस स्टैंड और एम्स मेट्रो स्टेशन शामिल है। सभी के सभी स्टेशन एलिवेटेड और अंडरग्राउंड के रूप में बनाया जा रहा है, जिसका 90% का सिविल वर्क पूरी तरह से कंप्लीट है। और न्यूज यह भी आ रही है कि प्रायोरिटी कॉरिडोर अगस्त 2023 तक इनॉग्रेट भी हो सकती है। ऐसे में देखना होगा कि भोपाल मेट्रो के अंतर्गत जो प्रायोरिटी कॉरिडोर को बनाया जा रहा है, वो अपने समय रहते ओपन होती है या फिर नहीं। फिलहाल मैं बात करता हूँ फ्यूचर प्लान ऑफ भोपाल मेट्रो। भोपाल मेट्रो एक 105 किलोमीटर लंबा मेट्रो नेटवर्क परियोजना है, जिसे 6 अलग अलग कॉरिडोर के रूप में, 6 अलग अलग लाइन के रूप में कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है। 6 लाइन में से 2 लाइन गवर्नमेंट अप्रूव कर चुकी है, जिस पर आज काफी तेजी से कंस्ट्रक्शन के काम हो रहे हैं। 2 लाइन जो आज के डेट में अंडर कंस्ट्रक्शन है, वो है लाइन 2 और लाइन 5। लाइन 2 पर्पल लाइन के रूप से जाना जाता है, वहीं लाइन 5 रेड लाइन के रूप में जाना जाता है। इन दोनों पर आज के डेट में अंडर कंस्ट्रक्शन है, जो कि इसके अंतर्गत 28 स्टेशन को बनाया जाना है, जो फेस 1 के अंतर्गत अप्रूव्ड किया गया। अब अगर हम इन 6 लाइन्स को, 6 कॉरिडोर को अगर मैं बहुत ही डिटेल में समझने की कोशिश करूं, तो पता चलता है कि लाइन 1, जो कि ग्रीन लाइन के रूप से जाना जाएगा, इसके अंतर्गत 24 स्टेशन को बनाया जाएगा, जो वैरगज से अवधपुरी को एक दूसरे से कनेक्ट करेगी। लाइन 2 पर्पल लाइन के रूप में जाना जाएगा, जिसके अंतर्गत 16 स्टेशन को बनाया जा रहा है, जो खरोड़ सर्कल को एयरपोर्ट से कनेक्ट करेगी। लाइन 3 ब्लू लाइन के रूप से जाना जाएगा, जिसके अंतर्गत 24 स्टेशन को बनाया जाए, जो भोरी बाईपास से लेके बसंत विहार को कनेक्ट करेगी। लाइन 4 येलो लाइन के रूप से जाना जाएगा, जिसके अंतर्गत 21 स्टेशन को बनाया जाएगा, जो अशोक गार्डन ऑटो स्टैंड से मदर टेरेसा स्कूल को कनेक्ट करेगी। लाइन 5 रेड लाइन के रूप में बनाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत 13 स्टेशन को आज के डेट में अंडर कंस्ट्रक्शन है, जो भदभड़ा स्क्वायर से लेके रत्नागिरी तिराहा तक बनाया जा रहा है। लाइन 6 ब्राउन लाइन के रूप में प्लान किया गया है, जो हबीबगंज नाका से मंडी दीप स्टेशन को कनेक्ट करेगी, जिसके अंतर्गत 12 स्टेशन को बनाया जाएगा। ये रहे 6 लाइन्स और उसके डिटेल्स। अब मैं थोड़ा सा इसकी फंडिंग की बात करता हूँ कि आखिर इस भोपाल मेट्रो को कैसे बनाया जा रहा है। बेसिकली भोपाल मेट्रो को एशियन डेवलपमेंट बैंक और यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक इसको फंड कर रही है, जिसे MPMRCC यानी कि मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा 7000 करोड़ की लागत से 50-50 ज्वाइंट वेंचर के रूप में स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट काम कर रही है। बताया जाता है कि पहली बार भोपाल मेट्रो को 2013 में प्लान किया गया था, जो दिसंबर 2016 में स्टेट गवर्नमेंट द्वारा इसको अप्रूव किया गया और अक्टूबर 2018 को सेंट्रल गवर्नमेंट। टेंडर नवंबर 2018 को इशू की गई और दिसंबर 2018 को जियो टेक्निकल स्टडी के लिए काम शुरू किया, जिसके बाद जनवरी 2019 को दिल्ली बिल्डिंग कॉन द्वारा इसकी कंस्ट्रक्शन शुरू की गई और सितंबर 2019 में उस वक्त के मुख्यमंत्री कमलनाथ जी द्वारा इसका फाउंडेशन स्टोन रखा। और अब रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग प्रायोरिटी कॉरिडोर 90% का सिविल वर्क पूरी तरह से कम्प्लीट है, जिसका अनुमान है कि अगस्त 2023 तक यह ओपन हो सकती है। तो देखना होगा कि आगे इसके क्या अपडेट्स आते हैं। फिलहाल आज का वीडियो मेरा यहीं पेंड होता है। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, अगर इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।